दिवाली में हमारा एक 2 BHK इंटीरियर वर्क रेडी हुआ है। यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग, पेंटिंग, वायरिंग, फुल फर्नीचर करके दिया है। किस तरह हमने किया है एक बार आइए दिखाते हैं। इनका सेफ्टी डोर है, इस सेफ्टी डोर पे हमने विनियर लगाया है, पॉलिशिंग ये किया हुआ है, वुडन कलर में हमने पॉलिश करके दिया है। ये जो आपको दिख रहे जाली है, लेजर कटिंग जाली है। इसमें हैंडल आप देखने आएंगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का हमने हैंडल डाल दिया है, ब्लॉक क्यूबा कंपनी का हमने डाला है। ऊपर मंदिर एक दे दिया है, लाइट है, 5 स्पॉट लाइट दे दिए हमने। अभी हॉल में हम एंट्री कर रहे हैं। हॉल में एंट्री करते टाइम हमने यहाँ पे एक डिजाइन भी बनाया और सुरेख भी, दोनों एक साथ हमने बना लिया। ऊपर डिजाइन हो गया, नीचे सुरेख है। ये जो डिजाइन है इसमें लाइट दी है हमने। इसके बाजू में हमने एक डाइनिंग टेबल टेबल बनाया और एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है। इसमें हमने साइड से डिजाइन दे दिया है, अंदर भी लाइट है, प्रोफाइल लाइट, स्पॉट लाइट है। और डिजाइन भी बहुत बढ़िया है। अगर डाइनिंग आपको नहीं रखना है बहुत ईजी है। इस तरह हमने बनाया, ये के डिस्प्ले हो गया, फुल दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके साइड में हमने वॉल फाइनल करके ग्लास फिनिश एक्रेलिक डाल दिए, पूरा वॉल इस पे हमने एक्रेलिक डाल दिया। और हॉल में एसी लगाने के लिए पैसेज का डोर, ये भी हमने डोर बना दिया, हॉल में एसी लग जाएगा, ये क्लोज हो गया पूरा। इसके साइड में हमने टीवी यूनिट बनाया, ये टीवी यूनिट है 6x8। इस पे जो आपको बैकग्राउंड ये दिख रहा है, ये वॉलपेपर है फाइनल करके, ये लैमिनेट है। यही वॉलपेपर हमने ये कर्टन के लिए फाइनल किया, उस पे भी डाल दिया है। साइड में स्टोरेज हमने दे दिए। नीचे 3 ड्रॉर है। पीछे लाइट है टीवी में। टीवी के पीछे हमने लाइट लगा के दी है, स्ट्रिप लाइट। स्टोरेज बॉक्स में एक स्पॉट लाइट डाल दी हमने। सोफा बना के दिया एल शेप में, इसमें हमने कम्बेट सोफा भी बनाया और एक लॉन्जर है, ये साइड में आपका स्टोरेज है, इसके अंदर सामान बैठ जाएगा सब। और एक कम्बेट सोफा, मान लीजिए घर पे गेस्ट आए तो आप इसको खोल के बेड बना सकते हैं। ये आपका एक बेड हो गया, 2 जन आराम से इसके ऊपर सो सकते हैं। ये जो किचन है आपका, ये भी हमने क्लोज कर दिया स्लाइडिंग डोर बना के, पूरा हॉल क्लोज हो गया। इसमें एसी आप चालू करके आराम से रह सकते हैं। फॉल सीलिंग की है इसमें। हमने मंदिर बना के दिया है इसके साइड में, नीचे ड्राव है, इसमें हैंडल नहीं है। और इसमें जो आपको ये डिजाइन दिख रहा है एक्रेलिक में, ये डोर बना के बाहर से एक्रेलिक लगा है। मंदिर कुछ इस तरह हमने बनाया, अंदर इसमें 2 स्पॉट लाइट है। बाहर जाना है तो आप डोर बंद कर दीजिए, आपका मंदिर क्लोज हो जाएगा। अभी हम किचन में एंट्री कर रहे हैं। ये जो डोर दिख रहा है, हमने हॉल में एसी लगाया, इसके लिए डोर बनाया, किचन क्लोज भी हो गया है और एसी का भी काम करेगा इसमें। किचन में रहना है क्लोज करके, तो ये डोर आपका स्लाइडिंग का हमेशा के लिए बंद, किचन क्लोज हो गया। ये जो ग्लास आपको दिख रहा है, ये डिजाइन का ग्लास है, ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है डिजाइन। और ऊपर हमने स्टोरेज बना दी, इधर भी स्टोरेज है,
इधर एक्वा गार्ड के लिए बनाया हमने, एक्वा गार्ड फिटिंग है। ये माइक्रो वन के लिए बनाया, ऊपर भी स्टोरेज हमने दिए। ये हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके अंदर लाइट भी है। ऊपर भी पूरा स्टोरेज हमने दिए, देखिए इसके अंदर लाइट है। नीचे प्रोफाइल लाइट भी हमने डाला है, प्लेटफॉर्म का काम करेगा पूरा लाइट है। ट्राली है इनका, एक फोल्डिंग है ट्राली, निकाल के वॉश कर सकते हैं आप। इधर सिलेंडर के लिए जगह है, ये फुल आउट बोलते हैं, बीच में फुल आउट है, इधर भी ट्रॉली है। इस तरफ स्टोरेज है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर बीकर सेल्फ बोलते हैं इसको, ये भी हमने डाल के दिया है बाजी के लिए। बेसिंग के नीचे है। अभी हाल से जैसे हम एंट्री करेंगे पैसेज में हमने ऊपर एक्रेलिक डाल दिया फॉल्स सीलिंग करके, उसके अंदर लाइट है और एक कॉमन बाथरूम है। इनका मास्टर बेडरूम है, आइए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या इसमें किया। इसमें हमने वॉलड्राप बनाया, टीवी यूनिट है, ड्रेसिंग है, बेड है, फॉल सीलिंग है। हमने इसमें पूरा सेटअप करके इनको दिया है। किस तरह से हुआ कि इनका वॉलड्राप है, ये जो आपको दिख रहा है टी पट्टी है, ये रोज गोल्ड है। हैंडल आपको जो दिख रहा है एकदम बारीक क्वालिटी का हैंडल है। अंदर हमने एक कंपार्टमेंट दे दिया, नीचे ड्रावर है, ड्रावर के अंदर कपड़ा बैठेगा आपका। इस तरफ बड़ा हो गया वॉलड्राप, ऊपर एक हैंगर के लिए पाइप दे दिए, नीचे ड्रावर है, इधर लॉकर है। इसमें जो लॉक लगा है हमने गोदरेज का है। इसके बाद इसके बाजू में टीवी यूनिट है, ये छोटा टीवी यूनिट बेडरूम में हमने बनाया है और बहुत खूबसूरत बना है। इसके पीछे भी देखिए स्ट्रिप लाइट है। नीचे दो ड्रावर दे दिए, छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसमें आ जाएगा आपका। इस तरफ आएंगे तो इधर हमने ड्रेसिंग बनाया, ड्रेसिंग में अंदर स्टोरेज है, इसके अंदर स्टोरेज है, ऊपर प्रोफाइल लाइट है, नीचे दो ड्रावर दे दिए। ये जो बेड है ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये पूरा देखिए गादे के साथ एकदम इजी उठ रहा है और टिक भी गया ऊपर। नीचे डाल दीजिए आराम से, एकदम डाल सकते हैं। ये जो पीछे आपको दिख रहा है हेडबोर्ड है, ये हमने कुशन में बनाया पूरा कवर करके, धार पैक है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। ऊपर फॉल सीलिंग है। बाथरूम है, मास्टर बाथरूम, इसमें हमने जगह वेस्टेज हो रहा था तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग कर दिया। इसके अंदर सामान है और इस तरफ मिरर लगा दिए पूरा, यहाँ पे भी अंदर स्टोरेज दे दिए और बाहर से मिरर, दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ मिरर भी हो गया, अंदर स्टोरेज भी हो गया, नीचे भी हमने स्टोरेज बना के दिए। एल्युमिनियम में बनाया हमने, कंपोजिट शीट डाल के, कभी ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, एक नंबर चीज है। ये भी लैमिनेट हमने चेंज कर दिया, पहले डोर में अलग था, अभी हमने चेंज करके सेम टू सेम किया, मैचिंग से मैचिंग। तो ऊपर हमने एसएस का टी पट्टी डाला है,
तीनों डोर में हमने सेम मैचिंग से एक डिजाइन बना लिया एसएस का जी पट्टी डाल के। अभी इंट्री कर रहे हैं हम कॉमन बेडरूम में, इनका कॉमन बेडरूम है, इसमें भी हमने बेड बनाया है, स्टडी टेबल, बुक सेल्फ है, वॉल ड्राफ्ट है, ड्रेसिंग है, फॉल सीलिंग है, इलेक्ट्रिक पॉइंट है, पेंटिंग है, सब कुछ इसमें भी हमने करके दिया है। डोर का लेमिनेट भी चेंज किया है। ये भी बेड हमने हाइड्रोलिक में ही बनाया है, ये भी गादी के साथ उठेगा, और इसमें सामने से ड्रॉ भी दे दिए, छोटा मोटा जो सामान रहेगा सामने से यूज कर सकते हैं। इसको भी हेडबोर्ड हमने बनाया डार्क फिनिश, इसका डिजाइन अलग है, और इधर भी ड्रेसिंग डाल दी हमने, इसमें भी प्रोफाइल लाइट हमने ऊपर दिए, नीचे दो ड्रॉ है। ये डोर का लेमिनेट हमने चेंज करके जैसे वॉल ड्राफ्ट में लगा उसी टाइप का इसमें भी हमने लगा दिया है। इसमें जो आपको ये पट्टी दिख रहा है एक्रेलिक मैंने डाला है, इसमें हमने डिजाइन बना दिया एक्रेलिक का। इसमें जो हैंडल आपको दिख रहा है ये रोज गोल्ड है और बहुत बढ़िया फिनिश में है। ये जो आपको दिख रहा है बुक सेल्फ है, इसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट डाल दी है, स्टडी करना है यहाँ पे तो यहाँ से प्रोफाइल लाइट से आपका काम हो जाएगा। इसमें एक ड्रॉ दे दिए, एक कीपैड आ गया, नीचे स्टोरेज के लिए जगह दे दिए, कॉमन बाथरूम है, इसमें भी हमने स्टोरेज बना दिए स्लाइडिंग का कांच डाल के, और इस तरफ हमने मिरर लगा दिया है, इसके अंदर भी स्टोरेज है, ऊपर प्रोफाइल लाइट है। इसका भी लेमिनेट चेंज करके हमने अलग मैचिंग से किया। जी हमने सर का काम पूरा कंप्लीट करके दे दिया, तो सर आपको बताएंगे हमने किस तरह से काम किया। तो पहले थैंक यू वेरी मच चंद्राम जी, आपने इतना पूरा घर हमारा कंप्लीट किया। एक्चुअली हम लोग का बहुत सपना था कि हमारा घर एक अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइंड हो, और मतलब उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने पहले इनसे कनेक्ट किया, तो हम लोग इसके इनसे कनेक्ट करने से पहले बहुत से लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, तो बट हम लोगों का मतलब रेंज नहीं बैठ रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर हमने इनसे हमारे इन लॉज ने इनसे कनेक्ट किया, और उसके बाद हमारी इनसे बात हुई, और फिर जब हमने चंद्राम जी से बात की तो पहले दिन तो इनका एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड पूरा एकदम कॉपी पेन के साथ आकर इन्होंने पूरा चीज़ें कवर की, तो हमने समझ गया पहले दिन ही कि हाँ एकदम भाई बंदा सही है, इनके साथ हमें मज़ा आएगा। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने मतलब पूरा रिक्वायरमेंट लिया अच्छे से, उसको नोट डाउन करके हमारे पूरे घर का रिक्वायरमेंट, तो और एक एक बारीक बारीक चीज़ें मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, अगर हमको ये चाहिए, ये इस डिज़ाइन का चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो वो एक छोटी से छोटी चीज़ें जो एक आपको क्लाइंट पर्सपेक्टिव में होती है ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हम लोगों की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा तो हमारे बेड हमारे ये स्लाइडिंग जो किचन का है डोर, अगर आप उसको देखोगे तो वो थोड़ा मतलब इतने कम में ही उसको स्लाइडिंग डोर बनाना, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रिलियंट आर्ट, हाँ, जो कि सब लोग शायद
कम लोग ही करें, बट हाँ इन्होंने किया एंड दैट टू विद इन अ गुड रेंज। ओके सो मतलब मेरा तो पूरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फ्रॉम द स्टाफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो सारे स्टाफ इनके बहुत अच्छे से इन्होंने कोऑपरेट किया चीज़ें वर्क की। हाँ टाइमली डिलीवर किया, थोड़ा बहुत रहता है बट दैट इज़ ऑल्सो मैनेजेबल बिकॉज यू कैन गो विथ हिम ऑलवेज। और थैंक यू वेरी मच आपको। हाँ तो अगर आप सब लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह अगर आपका घर इंटीरियर डिजाइंड हो तो यू कैन कंसल्ट चंद्राम जी ऑलवेज एंड आई एम श्योर ये अच्छा ही काम करेंगे हमेशा। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।